हेलो वेलकम गाइस, मैं हूँ खिदोत। आप देख रहे हैं टेक्निकल खिदोत यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक छोटे से अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इस छोटे से मिनी कीबोर्ड की। ये मिनी कीबोर्ड ही नहीं, एक एयर माउस भी है वायरलेस वाला। तो इसके क्या क्या फीचर्स है, क्या फैसिलिटीज है, आप इसे कैसे अपने फ़ोन पर यूज कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो पर बताता जाऊँगा, आप देखते जाइए। तो बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को एक लाइक करिए और हमें नीचे से अच्छा कमेंट करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही मजेदार वीडियो करने के लिए। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बता दिया था दोस्तों कि आज हम इस मिनी कीबोर्ड को अनबॉक्स करेंगे। ये सिर्फ एक कीबोर्ड ही नहीं, एक माउस भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड माउस कॉम्बो स्पेसिफायर मल्टीमीडिया रिमोट कंट्रोल एंड टच पैड फंक्शन हैंडल कीबोर्ड। आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर यहाँ पर कुछ परफेक्ट कंट्रोल फॉर पीसी एंटरटेनमेंट फीचर, इंटेलिजेंट लाइफ स्टाइल चॉइस, दी माउस व्हील फीचर इनोवेटिव। तापर यहाँ पर आपको पीछे भी कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीसी बुक्स, नेटबुक्स, टैबलेट्स और भी कई सारी, जैसे कि एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन ओटीजी थ्रू पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेम उसके डिटेल्स में बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ पर लिखा है मेड इन चाइना। यहाँ पर आपको कुछ डियर कस्टमर की फ्लिपकार्ट की ओर से आपको थैंक यू जाना जाता है कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बॉक्स के हमें अंदर कुछ मिलता है। एक यूजर मैनुअल देख सकते हैं, टच पैड कनेक्टिंग द रिसीवर, ऑटो स्लीप एंड वेकअप फीचर, स्विच ऑफ द कीबोर्ड आफ्टर यूज। आपको कुछ कंट्रोलिंग भी फीचर भी आपको जैसे मिल जाता है, देख सकते हैं। तो इसके कुछ नोट्स, ट्रबल इसके और मेंटेनेंस के बारे में कुछ लिखा गया है। तो अब हम आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। एक अच्छा प्रोडक्ट है, स्विच स्मूथली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आपको वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप का बटन दिया गया है, प्ले एंड पॉज का बटन दिया गया है, नेक्स्ट का बटन, प्रीवियस का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको ओके और मेनू के बटन जो है दिया गया है। यहाँ पर राइट क्लिक, माउस की राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक भी दिया गया है। इसके बटन आगे पूरी कंप्यूटर कीबोर्ड जैसी है, आप इसे फ़ोन पर भी यूज कर सकते हैं। कितना अच्छा लगता है लुक से आप देखते हैं। यहाँ पर आप इसका माउस कंट्रोल कर सकते हैं फ़ोन या पीसी पे कनेक्ट करके। और साथ ही में इसके पीछे में लिखा गया है कुछ इनपुट 5 वोल्ट, 300 mAh मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, 3.3 वोल्ट, मेड इन चाइना। तो हम इसे ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। एक बैटरी और यहाँ पर एक OTG केबल है जो मैंने पहले से ही निकाल दिया था। देखिए आपको यहाँ इस तरह यहाँ पर आपको रखने को मिलता है। तो इसे निकाल देते हैं, इसे आप अपनी पीसी पे या फोन पे OTG के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा स्विच मिलता है आपको। देखिए सारे स्विचेस आपको कीबोर्ड पे, नॉर्मल कीबोर्ड पे जितनी सारे स्विच मिलता है उस सारे स्विच आपको भी मिलता है। आप सुन सकते हैं स्विच की साउंड। एक USB पोर्ट दिया गया है इसे चार्ज करने के लिए। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच जो है यहाँ पर लिखा भी गया है कि आप यहाँ पर से आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिलता है जिसे आप अपनी चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ और भी कुछ नहीं मिलता है, मैंने तो फ्लिपकार्ट से मंगाया था। इसे ऑन करके देखते हैं, यहाँ पर कुछ इंडिकेटर चलता है जैसे कि ये बैटरी लो की है और ये LED ब्लू सिंबल की है। ये LED वाला नहीं है, इसका एक LED वाला भी आता है अगर आप चाहते हैं तो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ LED वाला की फीचर्स देख सकते हैं। तो वहाँ से खरीद कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। आज के लिए इतना दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो पे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए जाके फॉलो कीजिए।